तत्काल में दवा, जांच सामग्री, मशीन आदि की खरीदी में अनियमितता के आरोपों को मनपा प्रशासन ने खारिज कर दिया। फिर भी मनपा सदन में लगे आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने आयुक्त राधाकृष्ण बी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति में महालेखाकार कार्यालय के 2 वरिष्ठ ऑडिटर का भी समावेश होगा। 1 महीने में जाँच पूरी कर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के निर्देश महापौर ने दिए। महापौर ने कोरोना काल में हुई खरीदी प्रक्रिया की संपूर्ण जांच के निर्देश दिए हैं। सभा के दौरान सभी सदस्यों ने कोविड महामारी पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्त राधाकृष्ण बी की प्रशंसा की, जबकि तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे के काल में कोविड से जुड़ी खरीदी की जांच का समर्थन सदस्यों ने दिया। महापौर तिवारी ने कहा कि चर्चा के जरिए सदस्यों ने अपना पक्ष रखा, कई भ्रम दूर हुए, पर जो भी आरोप लगे हैं वे गंभीर हैं। आगे कोई सवाल न उठे इसके लिए आयोग के नेतृत्व में समिति का गठन जरूरी हो गया है। कोविड के लिए मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सभी सदस्यों ने सराहना की। पिछली आम सभा में निर्दलीय पार्षद आभा पांडे ने कोविड काल में हुई खरीदी की प्रक्रिया में कई गंभीर आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव लाया था। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए महापौर ने आज विशेष सभा बुलाई। सभा में पांडे ने कहा कि तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे के कार्यकाल में खरीदी के लिए समिति बनी थी, लेकिन कई चीजों की खरीदी के दौरान समिति के सदस्यों की सहमति नहीं ली गई। अतिरिक्त आयुक्त राम और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सवई को खरीदारी के अधिकार नहीं थे, फिर भी उन्होंने खरीदारी के दस्तावेज व बिलों पर हस्ताक्षर किए। थर्मामीटर की खरीदारी में गड़बड़ी हुई, एक काम की 1 दिन में 2 बिल निकले, कई और अनियमितताएं हैं, गड़बड़ी भी हुई है, जांच होनी चाहिए। श्री राम जोशी यांनी सखोल अभाताईचे जेवढे प्रश्न होते त्याचा पॅरावाइज उत्तर दिला आणि उत्तर जे दिला ते समाधानकारक उत्तर दिला आणि याच्याशिवाय पुढे काही पाहिजे असेल तेही द्यायला ते तयार असं त्यांचं म्हणण्यात होतं। परंतु माननीय सत्तापक्ष नेत्याने विषय असं म्हणला की जर आरोप करण्यात आले आहे आणि संदेह व्यक्त करण्यात आला आहे तो उत्तर परिपूर्ण राहिले तरीसुद्धा याची सखोल चौकशी होणं नितांत आवश्यक आहे, अन्यथा आपल्यावर लोक टीका करते। या दृष्टीने संपूर्ण सभागृहाची भावना लक्षात घेता शासनाच्या नियमा आणि निकषाप्रमाणे कोणताही जर शासकीय निधीचा खर्च झाला असेल तर त्याच्यासाठी ऑडिटर जनरलची एक अकाउंट समिती येऊन त्याची चाचणी करते, ज्याला एजीचा ऑडिट म्हणतो आपण। तर त्याच दृष्टीने पुढेही याची चाचणी ऑडिटर जनरलच्या ऑफिसमधनं होणारच आहे। म्हणून आम्ही सभागृहाचं महापौर म्हणून आम्ही निर्देश दिले की माननीय निगमायुक्त यांच्या नेतृत्वात एक समिती बनवायची। त्या समितीमध्ये एजी ऑफिसचे 2 वरिष्ठ लेखागार त्या समितीचे सदस्य राहते आणि ही 3 सदस्यीय समिती या संपूर्ण बाबीचा निर्णय घेऊन अध्ययन करून सभागृहाच्या पुढे 1 महिन्याच्या आतमध्ये ठेवते। यासोबतच या विषयावर ज्या ज्या नगरसेवकांनी आपले विषय मांडले आहेत त्या सगळ्यांना संधी देण्यात आलेली आहे की ही समितीची नियुक्ती झाल्याबरोबर त्यांनी माननीय आयुक्तांकडे आपले पत्र द्यायचे आणि ती समिती जी वेळ देतील ज्या जो दिवस देतील त्या वेळेमध्ये त्या दिवसात जाऊन ते आपली बाजू त्या समितीच्या समोर मांडू शकते। म्हणजे समितीसमोर यांची जे बाजू आहे तेही आली पाहिजे आणि समितीने सर्व का अध्ययन करून निर्णय दिले पाहिजे। या दृष्टीने या सभागृहाच्या माध्यमातून आज निर्णय घेतला। सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने कहा कि आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी ही चाहिए, अन्यथा भविष्य में कई सवाल खड़े होंगे। महापौर को समिति गठित करने के अधिकार दिए जाने चाहिए। 1 महीने में रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। विपक्ष नेता तानाजी वनवे ने कहा कि कोविड काल में कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्य सराहनीय रहा, उनके भरोसे ही संक्रमण पर अंकुश लगाने में मदद मिली, पर प्रथमष्टा खरीदारी प्रक्रिया में अनियमितता दिख रही है। अगर जानबूझकर गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आयुक्त राधाकृष्ण बी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है, तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके ने कहा कि कोविड काल में अब तक अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी का काम सराहनीय है, वे पहले दिन से अब तक लगे हुए हैं, उन पर आरोप लगाना गलत है। वैसे प्रशासन पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। शिवसेना की मंगला गौरे ने भी पांडे के आरोपों का समर्थन करते हुए जांच करने की मांग की। धर्मपाल मिश्रा ने कहा कि पांडे फिलहाल राकपा की पदाधिकारी है, ऐसे में उनके आरोप राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। केवल आरोप लगाने की स्थिति में जांच करना ठीक नहीं है, फिर भी भ्रष्टाचार का समर्थन हम नहीं करते। चर्चा में संदीप सहारे, मनोज सांगोली, नितिन साठवनी, संदीप जाधव, नंदा जिस्कर आदि ने हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।